हेलो दोस्तों, आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर यानी ईस्ट सिंहभूम की तरफ से निकाली गई है। तो आज जो मैं जॉब का अपडेट बताने जा रहा हूँ वो दो वैकेंसी पूर्वी सिंहभूम की तरफ से निकाली गई है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है, और ये दो अपडेट जो मैं बता रहा हूँ इसके चलते वीडियो थोड़ा लंबी भी हो सकती है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, हो सकता है आप लोगों के लिए ये लाभदायक हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। पहले आप लोग जाइए या फिर मैं, आप लोग देख भी सकते होंगे, मैं जैसे यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे डाल रहा हूँ उसका www.jamshedpur.nic.in, इसको जब क्लिक करिएगा आपको उसका पोर्टल निकलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया jamshedpur.nic.in, ये इसका वेबसाइट है। वेबसाइट में क्लिक करते ही आपको इसका होम पेज पे जाइएगा। होम पेज पे जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ, ये होम पेज पे है। होम पेज पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे नोटिस बोल के, नोटिस पे नीचे जाइएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है रिक्वायरमेंट का, इसमें दो वैकेंसी दिया गया है। देखिए वैकेंसी तो और भी नीचे दिया गया है, लेकिन ये सबका डेट ख़त्म हो गया है। जो लास्ट डेट है देखिए 1/11/2018 इसका और इसका, दो वैकेंसी निकाला गया है। दो वैकेंसी में पहला वाला जो दिया गया है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर PDF निकलेगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिटेल किया गया है, क्या दिया गया है। यहाँ देखिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम इसका दिया गया है। यहाँ पे विज्ञापन के लिए कुछ दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ वैकेंसी पे। वैकेंसी पे स्थित संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पद, पद का नाम जो है रोजगार सेवक, ग्राम रोजगार सेवक वर्ग 3, जिसमें कुल पद जो दिया गया है 74 दिया गया है। कोटि के अनारक्षित कोटि के लिए 37 दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 दिया गया है, और आजाजा के लिए 22 दिया गया, आजा के लिए 3 दिया गया है। तो यहाँ पे नोट में जो दिया गया, देखिए नोट में आवेदक पूर्वी सिंहभूम जिले के अस्थायी निवासी, इसमें पूर्वी सिंहभूम के निवासी कैंडिडेट ही इसको भर सकते हैं, दूसरा वाले को ये पर रद्द किया कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा है पूर्वी सिंहभूम के लिए। 74 टोटल पोस्ट दिया गया है। ग्राम रोजगार सेवक, यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक का 6,050 रुपया प्रति महीने दिया गया है, और भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पुनरावृत्त मानदेय होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो जो रोल आएगा, जो घटता है न जो जो मानदेय उसके एडिशनल और कुछ कुछ जो रहता है वो सब भी ऐड होके इसमें आएगा बोल के बताया जा रहा है। इसमें जिसका आयु सीमा दिया गया है 1 अक्टूबर 2018 को, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम हर ST SC जनरल OBC सबके लिए न्यूनतम जो होगा 18 वर्ष होगा, और जनरल के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए सबके लिए 37 है, पिछड़ा के लिए और महिला के लिए ये दिया गया है 38 दिया गया है, और ये अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए 40 दिया गया है। नियुक्ति के लिए पदवार शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये देखिए यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए यहाँ पे दिया गया है। अनिवार्य योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI होनी चाहिए, इंटरमीडिएट मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में उसके पश्चात यानी कि उसके बाद में ITI में कोई भी ट्रेड में आप लोगों का ITI के सर्टिफिकेट होनी चाहिए ये बताया जा रहा है। अतिरिक्त योग्यता में दिया गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय का संकाय में स्नातक, ये सब एडिशनल में दिया गया है। ये अगर जो है जिनका वो लोग भी ये चीज़ भर सकते हैं, इसके लिए ये दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एडिशनल वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसको PDF का, एक्चुअली मैं फिर PDF का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कुछ शर्तें दी गई है, उपरोक्त सभी पदों के लिए अन्य अर्हताएँ की शर्तें निम्नलिखित होंगे, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं दूसरा वाला भी बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है। ये कुछ शर्तें दी गई है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल 13 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, 13 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। जैसे दिया गया है देखिए फॉर्म का, संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, इस आवेदन पत्र को आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद 2-3 डाउनलोड कर लें, हो सकता है मे भी कोई गलत हो जाए, इसके लिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भर लीजिए। आवेदक का नाम, आवेदक पद का नाम पहला तो होगा, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, ग्राम रोजगार सेवक होगा, आपका नाम होगा, देनवर्गी में लिखने पड़ेगा, रोमन ब्लॉक लेटर में देना पड़ेगा, और यहाँ पिता पति का नाम, ये सब
फ़ोटो यहाँ पे सेट ना होगा, अच्छी तरह से इसको भर लें और देख लें। उसके बाद यहाँ पे अन्य, यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए अन्य अनुभव यानी कि इसमें एक्सपीरियंस, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं और सर्टिफिकेट का शो करा सकते हैं, हो सकता है उसमें आप लोगों को कुछ एडवांटेज मिले। यहाँ में क्या क्या साथ में अटैच करना है वो चीज़ दिया गया है, किस चीज़ का जेरोक्स लगेगा साथ में, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आपका योग्यता कितना पढ़े हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें मार्कशीट ये सब लगेगा, जन्मतिथि प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल तरफ से आजकल जो ओरिजिनल वो ऑनलाइन वाला जो बना है वो सब लगेगा, आवश्यक प्रमाण पत्र ये सब लगेगा। और ये सब देने के बाद आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्थान दिनांक, किस दिनांक को आप दे रहे हैं उस दिनांक को डेट देना पड़ेगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर देना पड़ेगा, और लिफाफे के ऊपर ऐच्छिक पदनाम लाल रोशनाई में अंकित करें, आप किस पद के लिए भर रहे हैं वो लिफाफे में अच्छी तरह बड़े बड़े अच्छे साफ अक्षरों में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, इस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिलिपि, जिला सूचना विज्ञापन पदाधिकारी पूर्वी सिंह मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाइट में प्रकाशित करना सुनिश्चित कहेंगे, ये बताया जा रहा है। अगला एक बार हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट जो था दूसरा वाला पोस्ट उसका क्या दिया गया है, दूसरा पोस्ट को हम लोग एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, उसका पीडीएफ क्या दिया गया है, किस पोस्ट के लिए है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें जैसे इसमें भी कुछ विज्ञापन ये दिया गया है, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट ये, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एड्रेस भी दिया गया है, जिला ग्रामीण विकास अभियान रूम नंबर S4 नया संग्रहालय भवन पुराना कोट साक्षी जमशेदपुर 831001 ये दिया गया। ये दूसरा वाला में जो पद का नाम है ये देख सकते हैं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी वर्ग 2। दूसरा जो दिया गया है तकनीकी सहायक अभियंता, ये इंजीनियर्स के लिए दिया गया है। और इसमें कुल पद जो पहला का है अधिकारी का, ये कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 8 पोस्ट है और दूसरा वाले के लिए 6 पोस्ट है। इसमें अनारक्षित कोटि के लिए 4 दिया गया है और दूसरा वाला पोस्ट जो है सहायता तकनीकी सहायता के लिए उसका 3 दिया गया है। पिछड़ा वर्ग में 1 दिया गया है, इसमें दूसरा वाला में 0 दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 दिया गया है और तकनीकी सहायक वाला में 1 दिया गया है। आजाजा के लिए 2, इसमें भी डबल 2 दिया गया है, आजा के लिए 0 दिया गया है। इसमें नीचे दिया गया है फॉर्म तो सेम ही है, उसके साथ आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे भरना पड़ेगा किस पद के लिए भर रहे हैं। इसमें जैसे 2 पद दिया गया है, अब किस पद के लिए भरना चाहते हैं वो पद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ फोटो सटना है। आवेदक का नाम, आपका नाम होगा देवनागरी में, अंग्रेजी ब्लॉक लेटर में, पिता पति का नाम देना पड़ेगा, लिंग दिया गया है। और पाँचवा नंबर जो दिया गया है, पत्र व्यवहार हेतु अस्थायी पता, आपका जो अस्थायी पता अभी कहाँ पर रह रहे हैं, किस एड्रेस पे आपका पता भेजा जाएगा, अगर कुछ भेजा जाएगा ऑफिस तरफ से तो वो किस एड्रेस में आप रिसीव करेंगे वो चीज़ देना पड़ेगा। और वर्तमान पता आपका घर का पता होगा, नेटिव प्लेस का होगा। सातवां नंबर जन्मतिथि दिया गया है यहाँ पे, कितना महीना कितना दिन कितना वर्ष ये देना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से एक बार भर लें। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आवेदक का नाम, कोटी, शैक्षणिक योग्यता, कितना प्राप्त किए थे, टोटल कितना परसेंट, ये सब यहाँ पे फिल करके तकनीकी के लिए ये भरना होगा। फर्स्ट वाला जो है वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए पहला पोस्ट के लिए, दूसरा वाला के लिए इधर नीचे दिया गया है। ये साथ में क्या क्या आपको जेरोक्स लगेंगे वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे मार्कशीट का, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, सेम जो वहाँ पे लग रहा था वही चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, आप कितना पढ़े हैं वो सब देना पड़ेगा। आगे जो यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया, उपयुक्त दर्शाए गए बिंदुवार फॉर्म के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदुवार फॉर्म मान्य नहीं होंगे, अगर इसके अलावा कोई और फॉर्म आप भरते हैं और उसमें अटैच करते हैं तो उसको रद्द किया जाएगा बोल के बता रहे हैं। इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करके देना पड़ेगा और यहाँ पे भी वही नोट दिया गया है, लिफाफे के ऊपर पद का नाम को अच्छी तरह से साफ साफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिया है एकत संबंधी विज्ञापन के लिए पदवार विस्तृत विज्ञापन आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तें जिले के वेबसाइट jamshedpur.nic.in पे उपलब्ध है। आप लोगों को मैं पहले भी बता दिया हूँ jamshedpur.nic इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लोग इसका डिटेल देख भी सकते हैं। इसमें कुछ भी अगर एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसका जो भी डिटेल आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या कब उसका इंटरव्यू होगा, कब इसका बहाली होगा, कौन कौन सिलेक्टेड हुए, कौन कौन रिजेक्टेड हुए,
सारे चीज़ यहीं पे आएंगे jamshedpur.nic.in। तो आप लोगों को ये याद कर लीजिए वेबसाइट, आप लोगों को पता ही होगा डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट, यहाँ से जाके आप लोग उसका डिटेल देख सकते हैं। ये चीज़ भी इसमें जैसे दिया गया है, देखिए इसका जो 19,500 दिया गया है सैलरी पहले वाले के लिए पोस्ट के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, और तकनीकी सहायता जो उसका लिए है 19,234 रुपये प्रति माह। साथ में जो गवर्नमेंट का रूल के आधार से और कुछ एडिशनल सब ऐड होता है सैलरी में, वो सब तो ऐड हो गई साथ में, ये भी बताया रहा है। इसमें आयु सीमा जो दिया गया है सभी जाति के लिए सेम, पहले वाला जो था उसके साथ ही सेम है, पहले वाला में भी जैसे सारे के लिए सभी, जैसे जनरल ओबीसी एसटीएससी ये सब के लिए न्यूनतम जो होगा 18 वर्ष होगा, और जनरल के लिए 35 दिया गया है, पिछड़ा के लिए 34 दिया गया है, महिला के लिए 38 दिया गया है, एसटीएससी के लिए 40 दिया गया है। और योग्यता जो दिया गया है ये देखिए अनिवार्य योग्यता, मतलब ये योग्यता होना ही चाहिए, ये योग्यता अगर नहीं है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता मतलब यही है, जिसमें है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में विषय संकाय एवं विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। आपको 55% के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएट में पास होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। समय स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 25% से कम होगा उसको नहीं लिया जाएगा, रद्द हो जाएगा वो। तो 55% से जिसका ज़्यादा है ग्रेजुएट में वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा में जो दिया गया है अतिरिक्त, अतिरिक्त में आपका जैसे दिया गया है देखिए MBA ये सब बहुत सारा दिया गया है, ये सब अगर है तो आप लोग अगर एडिशनल में तो भी आप भर सकते हैं, ये चीज़ बता रहा है एडिशनल के लिए। दूसरा नंबर कुछ दिया गया है तकनीकी सहायता के लिए अभियंता के लिए पद के लिए अपेक्षित योग्यता अनिवार्य, दूसरा वाला जो कोर्स था उसके लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल में BE या BTEC इंजीनियरिंग वाला BE BTEC सिविल ट्रेड से होना जरूरी है, तभी जाके आप तकनीकी सहायता अभियंता जो है इंजीनियर वाले के लिए आप भर सकते हैं। इसका जो अतिरिक्त योग्यता दिया गया है इसमें जैसे दिया गया है सिविल संख्या में MTEC वाला या कि PGDCA ये सब जो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा में अगर आप लोगों का ये सब है तो वो वाला भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए, ये भी भर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। आगे जो दिया गया उपरोक्त पदों के लिए अन्य अर्हताएँ एवं शर्तें निम्नलिखित होंगे, इसमें कुछ पद कुछ शर्तें दी गई है, कुछ पॉइंट्स दी गए हैं, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, जो उसमें मैं पहले वाला में भी बता चुका हूँ कुछ शर्तें दी गई है। इसमें 14 पॉइंट दिया गया है, ये 14 पॉइंट आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दोस्तों ये मैंने दो पोस्ट जो बताया वो बहुत ही अच्छा है, पहला वाला जो है वो तो 10th 12th के लिए दिया गया है, वो लोग आप लोग अच्छी तरह से ग्राम रोजगार सेवा के लिए जो था वो भी भर सकते हैं, या तो फिर आप अगर ग्रेजुएट हैं या फिर BE BTEC हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छी सैलरी वाली पूर्वी सिंहभूम में जॉब निकाली गई है, आप लोग इसको भर सकते हैं। मैं दोनों का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां पे विजिट करके डिटेल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से भी डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।